जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं थोड़ी सी तांत्रिकों की। क्यों? कारण बात समझने की है थोड़ी सी। सबसे बड़ी बात आती है, मैं खुद टीवी में ऐड देखता हूं तो बड़ी हैरानी होती है, 10 मिनट में समाधान, 15 मिनट में समाधान, हमसे पहले कोई कुछ करके दिखाए, मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास उसका इलाज है। समझ में नहीं आता कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर के भी कहाँ खड़े हैं। क्या अगर ऐसे इलाज होने लगें तो दुनिया में कोई दुखी हो ही ना। दुनिया में दुख हर एक के हिस्से आया है। वाणी में एक श्लोक लिखा गया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी ही जिस नाम आधार। दुख हर एक की कुंडली में है और वो लिख के भेजा है, सृष्टि के नियम में लिखा गया है। एक कपल चल के आता है, हमारे 10 साल हो गए जी, इशू नहीं हुआ। चलिए प्रॉब्लम है, समझ में आती है कि अपना अगला वंश कैसे चलाएगा। दूसरा कपल आता है, 8 साल हो गए जी मैरिज को, 2 बेटियां, बेटा नहीं है, क्या करें। प्रॉब्लम है, समझ आती है कि उसने भी अपना वंश चलाना है। तीसरा शख्स आके बोलता है, मेरे बेटे को प्रॉब्लम है तो ये पढ़ता नहीं है, नालायक है, 2 बेटियों के बाद हुआ है लाडला, लाड़ में ये बिगड़ गया। चौथा आता है, मेरे तो जी 2 बेटे ही बेटे हैं, दोनों इतने लायक हैं, एक डॉक्टर है एक वकील है, अब जायदाद के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि कारण एक ही है लेकिन उसके साथ जितने पर्सन्स हैं उतनी ही प्रॉब्लम जुड़ी हुई। हमने स्टार्टिंग से बात की थी कि जो कुंडली में सटीकता है और कहीं नहीं है, कोई आपका, कोई तांत्रिक, कोई मुल्ला, कोई मौलवी आपका कुछ नहीं करने वाला, सब उल्लू बनाने के काम है, सब उल्लू बनाने के मसाले, भोली वाली जनता का नाजायज फायदा उठाना है। एक इंश्योरेंस वाला जब किसी के पास जाता है ना, तो इंश्योरेंस करने से पहले सबसे पहले वो ये बोलता है, वो सर जी अगर तुसी मर गए तुहाडे बच्चे का की बनूंगा। बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, भाई मेरा तो इंश्योरेंस ही कर ला, मैनू ना मार। तो ये हाल हमारे समाज का हो चुका है, अगले को डरा करके उससे कुछ ऐंठना। जब तक आप अगले के माइंड पे कुछ अटैक नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं देगा वो, तब तक आप उसकी जेब ढीली नहीं करवा सकते। मैं नाम राशि की एग्जाम्पल अक्सर देता हूं लोगों को, कुंडली जिसको पता नहीं होती, आप हमारे नाम से देख लीजिए जी। अब उसको पूछो, भाई मेरे राम और रावण क्या एक ही राशि के थे? क्या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे थे? क्या दोनों को अब ये संसार अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों से जानता है? आप इसको जानते हो बात को? क्या कृष्ण और कंस एक ही राशि के नहीं थे? थे, लेकिन उनके कर्मों में जमीन आसमान का अंतर था। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग कुंडलियों के योग में पैदा हुए थे। रावण को आज भी बुराई के नाम से जाना जाता है, रामचंद्र जी को आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो फिर नाम राशि कहां गई? आम इंसान आके पूछता है, सर मैं टीवी में कौन सी राशि देखूं? आप राशि भविष्य बताया करो। मैं अखबार में कौन सी राशि पढ़ूं? मुझे कौन सी राशि सूट करती है? मेरी राशि है कौन सी? उसको सारी जिंदगी ये समझ में ही नहीं आता। अगर एक सच्ची बात सुनना चाहो तो ये सुनो, आप कभी टीवी में राशि देखना ही मत। अब आप कहोगे, पंडित जी आप ये राजेशी, आपने ये तो ट्रैक ही उल्टा पकड़ लिया। अगर मेष लग्न वाला भी है, हर लग्न कुंडली में अलग डिग्री में अलग ग्रह पड़ा होगा और उसकी दशा अलग चल रही होगी, तो फिर वो एक जैसा कैसे हुआ? किसी की साढ़ सती चल रही होगी, किसी का टैया चल रहा होगा, कोई प्लेनेट 6th में पड़ा होगा, कोई 8th में पड़ा होगा, किसी का नीच में चल रहा होगा।
तो आप कैसे राशि को डिफाइन कर सकते हो? आप चाह करके भी उसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अक्षय खन्ना, हमारी काम करने वाली बहन जी आती है आशा बहन जी, वो भी ऐसे ही आती है। अब उसको अमिताभ बच्चन के साथ कहां जोड़ दूं भाई मैं? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि वो सृष्टि के नियम विरुद्ध, इसलिए नाम का कोई सिर पैर नहीं। इसके बाद बड़ी बात करते हैं, इससे आगे थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि जी मैं इस मंथ में पैदा हुआ था, इस डेट को मेरी ये राशि बनती है। हिंदुस्तान में हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, एक मंथ में लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, तो सबकी एक ही राशि। जिस महीने में अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए उस महीने में तो लाखों बच्चे पैदा हुए, फिर वो सारे अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नहीं बने? क्यों? कारण, क्योंकि सबकी कुंडली के योग अलग अलग हैं। हर बंदा अपने पुराने संचित कर्म की वजह से किस घर में पैदा हुआ है, किस माहौल में पैदा हुआ है, वो उसे बाय बर्थ मिला है, वो पिछले जन्मों की वजह से बाय बर्थ उसको मिला है। एक बच्चा पैदा होता है किसी अमीर करोड़पति आदमी के, उसी वक्त में 2 सेकंड के गैप में एक रेडी वाले के घर बच्चा पैदा होता है। दोनों की कुंडलियां सेम है, दोनों की दशाएं सेम है, दोनों के योग सेम, तो फिर कुंडली कहां गई? कुंडली है, कुंडली में दोनों में बड़ा फर्क है। एक आदमी इन्वेस्टमेंट लगाता है, वो रेडी वाला सारी जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी, अगर एक आदमी को दोनों की कुंडली में एक जैसी है कुंडली, उसमें ये डिसाइड हो गया ये जिस स्टेप पे पैदा हुआ है उससे ये 10 सीढ़ियां आगे बढ़ जाएगा। अगर एक करोड़पति के आदमी घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो पहले ही 15वीं सीढ़ी पे पैदा हुआ है। एक रेडी वाले के घर में पैदा हुआ, वो 4थी सीढ़ी पे पैदा हुआ है। अब वो 4थी सीढ़ी वाला अगर 10 सीढ़ियां पार करेगा तो वो 14वीं सीढ़ी तक सारी जिंदगी में पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रेडी पे इन्वेस्टमेंट ही 50,000 या 1,00,000 रुपए की लगानी। जो बंदा 14वीं सीढ़ी पे पैदा हुआ है वो बंदा इन्वेस्टमेंट ही 50 करोड़ की करेगा, वो ऑब्वियसली 14वीं से आगे 10 सीढ़ियां 24वीं पे पहुंच जाएगा। ये बात जरा समझने की है। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में ये बात अक्सर पंडित लोग बड़े कंफ्यूजन में क्रिएट कर देते हैं, इन दोनों की तो जी कुंडलियां सेम है, एक कहां बर्थ हुआ एक कहां बर्थ हुआ। भाई मेरे, ये योग का डिफरेंस जो बाय बर्थ जन्म से मिलना था वो उसको मिला। वो कहां पैदा हुआ, कितने पानी में है, ये जन्म से पता चलता है। बहुत से आप में सज्जन ऐसे हैं जिनके पास डेट टाइम ही नहीं होता, फिर भी आते हैं विद्वान के पास, हमें बताइए जी हमारे पास डेट टाइम नहीं है। ऐसे सज्जन को जिसके पास कभी अपनी कुंडली ना हो, उसे कभी भी कोई रत्न जल्दी नहीं पहनाना, उसे किसी ग्रह का दान कभी नहीं करवाना है, क्योंकि दान वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या करे, तो वहां आप एक गलती मत कीजिएगा, ना तो कभी उसको दान बताइएगा ना कभी उसको रत्न पहनाइएगा। क्योंकि जब आप जानते ही नहीं कि उस ग्रह को एक्टिवेट करना है बॉडी में या उसे दान करके डिक्रीज करना है, तो ये कभी मत कीजिएगा। सबसे उत्तम नतीजा अगर निकालना हो तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, पाठ किया जाए। आपको जरा सा लग रहा हो गवर्नमेंट ऑफिशियल में, गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, पिता से प्रॉब्लम आ रही है, मान यश में कमी आ रही है, आप सूर्यदेव का पाठ कर सकते हो। ओम सूर्यदेवाय नमः, ये पाठ आपके लिए बेस्ट है। माता से अनबन रहती हो, मन ज्यादा चंचल हो जाता हो, मन जल्दी डर जाता हो, मन घबरा जाता हो, कई बार देखा है अच्छे भले सियाने बहने बंदे भी रात को उठ के घबरा जाते हैं अंधेरे से, ओम चंद्रमसे नमः की माला दिन में नाश्ते से पहले एक कर लेंगे, बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, कभी नुकसान नहीं होता। पाठ, पूजन, सिमरन, व्रत, आरती, हवन, पूजन, ये कभी नुकसान नहीं देते इंसान को, ये सदैव इंसान के लिए अच्छे होते। पर्सनैलिटी बोल्ड करनी हो, ज्यादा डर लगता हो, मंगलदेव का पाठ किया जा सकता है, कभी अशुभ नहीं होगा आपके लिए। मेमोरी शार्प करनी हो, जल्दी भूल जाते हो बात कहकर, अपनी बात कही 10 मिनट में, अक्सर गृहणियों के साथ ऐसा होता, फ्रिज खोल के सोचते हैं क्या निकालना था, नहीं पता, भूल गए, तो क्या कर सकते हो, बुद्ध का पाठ कर सकते हो, ओम बुद्धाय नमः। शादी नहीं हो रही लड़की की, डिले हो रहा है,
कोई जरूरत नहीं कोई दान करने की, कोई नग पहनने की कोई जरूरत नहीं जिसको कुंडली ना पता हो। ओम बृहस्पतये नमः, रोज एक माला 108 मन के वाली, नियम बना लीजिए इसको, बड़ा अच्छा रिजल्ट बड़ी जल्दी देंगे और कभी इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पाठ कभी नुकसान नहीं करता। मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, कुंडली ना पता हो, ओम शुक्राय नमः। आपसी कोलीग्स में, संबंधों में खटास पैदा हो रही हो, ओम शुक्राय नमः। बड़ा अच्छा पाठ करके देखिए, 15 दिन कीजिए, 16वें दिन खुद ही कहेंगे हाँ जी रिलीफ मिल रहा है जी, किसी को कुछ देने लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम। कभी भी आपका पाठ आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा समझने वाली बात है बड़ी डीपली। आपका पेट दुखता है, जब तक दवाई आप नहीं लोगे पेट ठीक नहीं होने वाला। पेट ठीक करने के लिए आपको खुद दवाई लेनी पड़ेगी। पंजाबी में कहावत कहते हैं, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं जाया जाता। जब तक आप खुद अपनी दवाई नहीं लोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। घर में कलह क्लेश रहता हो, पैसे की बरकत ना होती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, पैसा रुकता ना हो, शनिदेव का पाठ कर सकते हैं आप। शनिदेव के मंदिर जाके माथा भी टेक सकते हैं, बहुत अच्छा रहे। लंबी बीमारी चल रही हो, शनिदेव का पाठ सबसे उत्तम। बंदा ड्रग एडिक्शन में पड़ा हो, अल्कोहलिज्म में पड़ा हो, जुआ सट्टा खेलता हो, तो उसके घर वाले पाठ कर सकते हैं। खुद बैठ के एक माला रोज करें, ओम राहु देवताय नमः। मन शांत करना हो, नानके दाद के सिना बनती हो, तो ये चीज ओम केतवे नमः का पाठ से हल हो सकती है। तो पाठ करने से अशुभता नहीं होती, उससे अच्छा रहता है। पाठ करना आप सबके लिए जरूरी है, जैसे शरीर की खुराक खाना जरूरी है, उसी तरह से आत्मा की खुराक और प्लेनेटरी पोजीशन को ठीक रखने की खुराक वो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहों का जीत तो शनिदेव तो करोड़ों मील दूर हैं जी, हमने क्या बिगाड़ा शनिदेव का जो हमारे पीछे पड़े हैं। नहीं भाई, ये मैं आपको अगले एपिसोड में इसकी डिटेल बताऊंगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन पर, ये ग्रह हमारे जीवन पर, ये नक्षत्र और ये राशियां हमारे जीवन पर असर डालती हैं, कैसे इनकी मूवमेंट से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं, अच्छा बुरा प्रभाव देखा जा सकता है, इसको समझना होगा। वैसे भी आप पाठ का नियम बनाइए। अक्सर लोग कहते हैं जी हम फलाने गुरु का पाठ करते हैं, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ग्रह का पाठ भी साथ में कीजिए जो प्रॉब्लम दे रहा है। एक बंदे को बुखार हो जाए चाड़े से वो ठीक नहीं होगा, उसको तो करोसिन की गोली देनी पड़ेगी। कारण, क्योंकि करोसिन की गोली ही सही इलाज है, उसी तरह ये पाठ सही इलाज है। 5वीं क्लास के बच्चे की किताब उठाओ, आपको सारे प्लैनेट्स वहां लिखे मिलेंगे। ये चीज नियम बनाना पड़ेगा आपको। कमी आ रही है, 2-4 दिन में जादू नहीं होने वाला, 10-15-20 दिन। शास्त्र लिखता है कि 43वें दिन पाठ अपना असर देने लगता है। बहुत से पंडित कह देते अब 43,000 करा लो जी, 33,000 करा लो, 23,000 करा लो। नहीं भाई, क्या इतनी रोटी खाने के बाद खाना छोड़ दोगे? नहीं। क्या इतनी चीज पानी पीने के बाद पीना छोड़ दोगे? नहीं, वो आजीवन पीते ही रहोगे। तो पाठ के मामले में ऐसा क्यों नहीं? पाठ तो करना ही है आपको, और अपने लिए करना है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। पंडित जी ये नहीं बताएंगे क्योंकि आपका तो भला हो जाएगा, फिर पंडित जी कहाँ जाएंगे? पंडित जी ने भी तो बच्चे पालने हैं भाई अपने, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ रेमेडीज को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को इस ध्यान में रखते हुए, पाठ का एक नियम आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं उसका साक्षात उदाहरण खड़ा हूं आपके सामने। मैंने खुद अपनी जिंदगी ही नहीं, इन 14 सालों में लाखों लोगों की जिंदगी पाठ से बदलते देखी है। रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा, उसका एक नियम बनाए। नियम बनाने से ही आपके मसले हल होंगे। इधर उधर पत्रियां उठा के फिर जाओगे तो वहां रिजल्ट नहीं मिलने वाला कुछ भी। किसी ने कुछ बोल देना, किसी ने कुछ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूं। शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय।